इसमें ड्राइवर नहीं है, बिना ड्राइवर की ट्रेन है भाई। कितना टाइम सुधी फ्री है? 10 मिनट। 10 मिनट गुड इवनिंग दोस्तों, बंसी विष्णु एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल हम हैं अहमदाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और अभी हम जा रहे हैं दुबई, यूएई। इस एयरपोर्ट से ये मेरी पहली जर्नी है और एक नए देश की जर्नी स्टार्ट हो रही है बांग्लादेश के बाद में। तो आई होप कि ये जर्नी बहुत शानदार है होने वाली है और बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ जो शायद किसी ने ना दिखाई हो। तो इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। यहाँ पे इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि मेरी फ़्लाइट की टिकट कितनी थी, वीज़ा कहाँ से लिया, वीज़ा के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगा, मैं मेट्रो का कार्ड लूँगा वो और सिम कार्ड लूँगा वो और हॉस्टल तक, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ एयरपोर्ट पर और इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई एक लाइक कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कीजिए और भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थैंक्स बटन या ज्वाइन बटन पर ज़रूर करें, आपका सपोर्ट हर ट्रिप में ज़रूरी है। सो जितना हो सके शेयर करिए फेसबुक वाले आप तो खास तौर से, और जितने भी दोस्त यूएई में हैं सब मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपसे मिलना चाहता हूं और आपसे बातें करना चाहता हूं जो इंडिया में दिखाना चाहता हूं। तो 1% लोग यूएई से देखते हैं तो आप ज़रूर मैसेज करिएगा। चलो मिलते हैं आपको कल दुबई में। तो भाई फाइनली हमारा जो है बोर्डिंग पास निकल गया है और थोड़ा सा जानकारी पूछा गया था कि भाई कहाँ पे रुक रहे हो, वीज़ा कहाँ है, कोविड सर्टिफिकेट कहाँ है, ये सब पूछा गया, बाकी कुछ नहीं नॉर्मल। अब चलते हैं इमिग्रेशन पे। मेरा जो गेट नंबर है वो 8 है। कहा था कि यहाँ पे मौलिक भाई मिले थे जो वीडियो देखते हैं, तो मौलिक भाई आपका थैंक यू। अब चलते हैं आगे। तो भाई फाइनली सारा काम हो गया है और यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हुई इमिग्रेशन में। एक्चुअली आपको पता है कि लास्ट मैंने बांग्लादेश से इंडिया में ट्रेवल किया था दावकी बॉर्डर से, जो लैंड बॉर्डर है वहाँ पे, एक्चुअली वो लोगों ने बराबर काम नहीं किया था, वो लोगों के पास सिस्टम भी नहीं था और सिस्टम था तो वो सिस्टम भी काम का नहीं था, तो उन्होंने शायद बराबर ठीक से एंट्री नहीं किया, तो वो एंट्री मेरे को अभी दिक्कत हुई। काफ़ी देर मुझे खड़ा रखा गया और उन्होंने दूसरे कंप्यूटर में जाके चेक किया, यहाँ शायद वहाँ पे फ़ोन किया क्या गया मुझे नहीं आइडिया, और उसके बाद सिक्का मार के दे दिया। मैंने उनको पूछा भी मतलब दिक्कत क्या हुई, बोले शायद एंट्री ठीक से नहीं किया था, इनकमिंग एंट्री, इसीलिए प्रॉब्लम आई। तो फाइनली हम लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इस ऊपर आ चुके हैं और सिक्का विक्का लग गया है, तो अभी हमको दुबई जाने से तो कोई रोक नहीं सकता। फाइनली हम लोग अभी दुबई निकल रहे हैं और अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बैठ करके सारा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि मैंने वीज़ा कहाँ से लिया, मैंने टिकट कितने की कराई, रिटर्न टिकट कितने की कराई, सारी इन्फॉर्मेशन आपको अभी दे देता हूँ। तो चलते हैं, पहले यहाँ पे बैठते हैं। ये शायद ड्यूटी फ्री एरिया है, यहाँ से आप कुछ खरीद सकते हैं जिस पे शायद टैक्स वगैरह नहीं लगता है, इसको बोलते हैं ड्यूटी फ्री। और भी कुछ नए लोगों के लिए मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, वो भी आगे कहीं बैठ के आपसे बात करता हूँ। उधर लिफ्ट से आते ही इस तरफ 1, 2, 3 गेट नंबर है और इस तरफ है 7, 8, 9। तो भाई 4, 5, 6 किधर गया वो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी चलते हैं इस तरफ। तो ये है शानदार बैठने की जगह, यहाँ पे बैठ के हम आपको वीज़ा वगैरह सब कुछ बताते हैं पूरा डिटेल में। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ वीज़ा, फ़्लाइट की टिकट और होटल के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मैंने जो है फ़्लाइट की टिकट है वो स्काई स्कैनर से किया था, मुझे 10,768 रुपये में पड़ी दुबई के लिए, डायरेक्ट फ़्लाइट है, और ये मैंने बुक की थी स्काई स्कैनर से, मैंने खुद ही बुक की थी। और उसके बाद वीज़ा है वो मैंने एक दोस्त है राजकोट से, उन्होंने करके दिया था, मैंने उनको सिर्फ डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं भेजा, पासपोर्ट और एक फ़ोटो भेजा बस, उसकी मैं गया भी नहीं हूँ, पासपोर्ट और फ़ोटो से ही उन्होंने बना के दे दिया, वो भी मैंने व्हाट्सएप पे पोस्ट किया था। उसके साथ इंश्योरेंस भी उन्होंने दे दिया और उन्होंने मेरे को जो वीज़ा दिया उसमें कोई पैसा कमाया नहीं था, दोस्ती के हिसाब से मुझे 6,200 रुपये में दे दिया। तो अगर आप लेंगे तो शायद आपसे थोड़ा पैसा ज़्यादा ले सकते हैं, तो उनका मैं कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आपको दे देता हूँ, तो यहाँ पे वीडियो में दिख रहा होगा और भी मैं आपको बता दूंगा पूरा डिटेल में, नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दूंगा, तो आप उनसे वीज़ा वगैरह किसी भी देश का यहाँ कोई टूर बुकिंग कराना चाहते तो वो भी करके दे देंगे। उसके बाद होटल मैंने ऑलरेडी पहले से बुक कर लिया है booking.com से, जो बहुत ही सस्ता है वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊँगा, हॉस्टल बुक किया है
और बाकी अभी जो वहाँ का नॉल कार्ड वगैरह जो है सिम कार्ड वो सब के आपको मैं दुबई पहुँच के बताता हूँ। तो ये थी टिकट और वीज़ा के बारे में जानकारी, इंश्योरेंस के बारे में। बाकी चलते हैं आगे। अभी यहाँ पे मेरा इमिग्रेशन वगैरह सब स्मूथली हो गया था। इमिग्रेशन का मैंने आपको पहले डिटेल दे दिया कि क्या तकलीफ आई, जो मैंने दावकी बॉर्डर जो है मेघालय में वहाँ से बॉर्डर क्रॉस किया तो उन लोगों ने शायद ठीक से एंट्री नहीं किया या पता नहीं क्या किया, मुझे आइडिया नहीं, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगा काफ़ी, 15-20 मिनट का। और बाकी तो भाई इमिग्रेशन वालों ने कुछ नहीं पूछा, फ्लाइट वालों ने थोड़ा पूछताछ किया था, बोले आप कहाँ रुकोगे, मैं बोला होटल में रुकेंगे, और कहाँ रुकेंगे, रोड पे तो नहीं रुकेंगे, यही है। तो अभी यहाँ पे आगे थोड़ा आराम करते हैं, अभी बजे हैं 12, 1:30 बजे की फ़्लाइट है, 1.5 घंटा तक यहाँ सब मौज करते हैं। तो यहाँ पे बैठ के मैंने वीडियो शूट किया था, बैठने की जगह बना रखी सब जगह पे। ये गेट नंबर 7 है, गेट नंबर 8 से हम लोग जाएंगे। तो अभी चलते हैं उस तरफ जाके, कहीं सोते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। और ये हमारे मजा तुम्हारे बहुत बड़े फैन हैं। ये हमारे गुजराती कॉमेडी किंग सब यूट्यूबर। तो चलते हैं फिर इसको दिखाते हैं। तो भाई देखो अभी यहाँ पहुँच गए हैं, ये देख लीजिए यहाँ पे व्यवस्था कुछ ऐसी है। तो भाई फाइनली अब हम जा रहे हैं फ्लाइट में बैठने के लिए, और फ्लाइट में जाने से पहले यहाँ पे कुछ सेल्फी वगैरह हो जाएगी तो ठीक है, तो लेते हैं, किसी को बोलते हैं सेल्फी लेने के लिए। सो यहाँ पे एक बार और चेक किया गया, अब चलते हैं फ्लाइट में बैठने के लिए। पार्थ भाई चिल्ले बैठा जो दुबई जा रहे हैं। अरे कैसे हो, सब बढ़िया? और यहाँ पे ये प्लेन में बैठ गए रे, और ये धुमाना कुछ आ रहा है जबरदस्त, ऑक्सीजन भर रहा है ये प्लेन, ताकि मैं बहुत ज्यादा ना खेच लू ना इसको, ऐसा कुछ है माहौल। ठीक तो आ जाओ सारे लोग पीट के मजा दुबई। तो भाई फाइनली अब हम फ्लाइट में बैठ चुके हैं और थोड़ी देर में यहाँ से टेक ऑफ करने वाले हैं दुबई के लिए अहमदाबाद से। और अभी देखो अंदर पार्थ भाई बता रहे थे कि धुमाड़ा भर रहा है अंदर, और मुझे लगता है आधी फ्लाइट खाली है, बहुत कम लोग हैं, काफ़ी पैसेंजर बिल्कुल नहीं है। जैसा कि अभी अभी बताया कि 1800 किलोमीटर है यहाँ से दूरी, और 2 घंटे 30 मिनट लगेगा। यहाँ पे फॉलो नहीं किया तो कर दीजिए, और थैंक्स बटन, ज्वाइन बटन, ये सब आपके लिए दिया हुआ भाई, सपोर्ट कर सकते हैं। सो चलते हैं और दुबई तक की यात्रा को आपको दिखाते हैं। सो फाइनली अब हम टेक ऑफ के लिए जा रहे हैं, हमारी फ्लाइट जा रही है, देख लीजिए। और यहाँ पर छोटा सा विमान पड़ा हुआ है, और ये है यहाँ का इंटरनेशनल टर्मिनल। अब फाइनली हमारी जो है फ्लाइट रनवे पर दौड़ना शुरू हो गई है। और ये नीचे देखिए हमारे अहमदाबाद का खूबसूरत नज़ारा, बहुत प्यारी सिटी है। अब हम अहमदाबाद से उड़ान भर चुके हैं और आपको मिलते हैं 2.5 घंटे बाद सीधा दुबई में। वेलकम टू दुबई, आ गए हम लोग, चलते हैं बाहर।
सो भाई फाइनली हम पहुंच गए हैं दुबई और काफ़ी ठंडी लग रही है एक्चुअली फ्लाइट में आया ना, फ्लाइट में बहुत ठंडा था, जैकेट लाना मैं भूल गया। तो देख रहे हैं सबसे कोने में ले जाके हमारी जो इंडिगो की फ़्लाइट थी खड़ी कर दी थी, तो वहाँ से अभी चल के मुझे लगता है कम से कम 500 मीटर या 300-400 मीटर तो चल के जाना ही पड़ेगा जहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी है। लेकिन उसके पहले हमको सारा चेक इन बैगेज वगैरह वगैरह इमिग्रेशन वगैरह सब करवाना बाकी है, तो शायद जल्दी जल्दी ये भी हो जाएगा। देखो भैया टेलीफोन लगा हुआ है, कुछ करना हो वो कॉर्नर से आए हैं तो इस तरफ जाना है। अंदर का इतना बड़ा गलियारा, रोलेक्स की लगी हुई घड़ी और इतना ठंडा है भाई, बहुत कम लोग हैं फिर भी बहुत ठंडा है। तो मुझे लगता है अंदर तो ठंडा है लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है। तो वेलकम टू दुबई, दुबई में आपका स्वागत है और चलते हैं आपको बाहर दिखाएंगे। एक जगह से उतरे, उधर से आके फिर से इस तरफ ऊपर जाना है। अफ्रीका के लोग हैं जो एक कनेक्टिंग फ्लाइट से आए हैं। तो हमारे को बहुत बड़े गलियारे में लगे, तो अभी गेट खुले नहीं है, यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं, जैसे ही गेट खुलेगा हम जाएंगे इस तरफ। तो भाई यहाँ तो एक मेट्रो ट्रेन जैसा कुछ आया है जिसमें बैठ के बैगेज क्लेम करने के लिए जाना होता है। हम लोग तो यहीं बैग लेने के लिए खड़े थे और अचानक यहाँ तो कोई ट्रेन आ गया दरवाजे के पीछे, पता ही नहीं चला। और ये ट्रेन हमें ले जाएगी दूसरे जो एक टर्मिनल है वहाँ पे। तो देखो सब बैठ गए, चलते हैं इसमें बैठ के उस टर्मिनल पे, यार ये फ्री सेवा है। ये कोई एयरपोर्ट के टर्मिनल के अंदर चलने वाली कार जिसको कहते हैं मेट्रो जैसी छोटी कार है, और उसमें दो तीन कोच लगे हुए हैं जो पैसेंजर को लेके भी आती हैं, अंदर खाली किया तो पैसेंजर बैठ जाते हैं। सब लोग बेवकूफ़ बन गए, बोला यार ये क्या हो गया, अचानक हम लोग कहाँ आ गए जहाँ फिर तक दरवाजे बंद हैं। और वो जो हर जगह एयरपोर्ट पे जाते हैं वैसे सिस्टम नहीं है, ये देखो अंदर भी मेट्रो खड़ी है। तो एक टर्मिनल एक से मेन टर्मिनल पे बाई ट्रेन आना होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये हैं अफ्रीका के रईस लोग, दिखने में आपको ऐसे लगते हैं लेकिन है पैसे वाले सब। सो फाइनली सब कुछ क्लियर करके मैं अब वेटिंग एरिया में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि दुबई एयरपोर्ट पे क्या क्या हुआ। एक्चुअली जैसे ही हम प्लेन से उतरे हैं उसके बाद मुझे लगता है कोई 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पे ये जो बाहर एग्जिट है वो है, उसके पहले आपको काफ़ी चलना पड़ता है। एक बार ऊपर नीचे आपको कुछ समझ नहीं आता है, बस सीधा चले जाओ, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, और उसके बाद आप पहुंच जाते हैं एक बंद दरवाजे के पीछे। वहाँ पे कुछ लोग खड़े होते हैं हर जगह, तो वो बोलते हैं भाई इधर खड़े रहो इंग्लिश में। और फिर उसके बाद वहाँ पे एक ट्रेन आती है छोटी सी, वो आपको पैसेंजर को ले करके टर्मिनल, कोई दूसरा टर्मिनल वहाँ पे ले जाती है। और वहाँ पे उतरने के बाद आपको फिर से एस्केलेटर में ऊपर नीचे होते हुए इमिग्रेशन पे पहुँचना होता है। इमिग्रेशन ऑफिसर भी होते हैं, पुलिस ऑफिसर भी होते हैं, अलग अलग प्रकार के ऑफिसर होते हैं भाई। यहाँ कुछ समझ नहीं आता है, अगर आपने थोड़ी सी गलती किया ना तो आपको बुला लेते हैं। सो हमारे साथ कोई आसपास कोई लोग थे अफ्रीकन, वो चल रहे थे, तो उनको भी उन्होंने एक बार वापस भेज दिया, बोले वापस फिर से घूम के आओ। तो हम थोड़ा सा अगर मिस्टेक करेंगे तो हमको काफ़ी डांटा वगैरह जाता है। तो वो करने के बाद इमिग्रेशन जो थी मैडम, मैं जहाँ पे आया था वो बुरके वाली मैडम थी काला बुरका, तो कुछ पूछा नहीं, सिर्फ पासपोर्ट मांगा, सिक्का मारा और साथ में एक सिम कार्ड फ्री दे दिया। अब सिम कार्ड मैंने अभी इंस्टॉल नहीं किया है, अभी मैं इंस्टॉल करता हूँ। सिम कार्ड दिया वो मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पर शायद 1 GB इंटरनेट भी फ्री है, ये देखो इस पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, वेलकम टू द हैप्पी अमीरात, 1 GB फ्री एंड फ्री सिम कार्ड है, साथ में सब कुछ निकालने का सिस्टम भी दिया है।
तो अभी 4 बजे हैं और 5 बजे तक मैं यहीं बैठूंगा। वेटिंग एरिया यही है, मेट्रो स्टेशन सॉरी एयरपोर्ट जो है उसके बाहर का जो वेटिंग एरिया वही है। मेट्रो में कोई ऐसा वेटिंग एरिया नहीं है, मैंने पूछ लिया। तो हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं और बहुत सारे इंडियंस लोग हैं और इधर स्टाफ में भी है, वो सब इंडियन या पाकिस्तानी लोग ही दिख रहे हैं, हिंदी भाषी लग रहे हैं। कुछ आपको जो उधर के हो सकते हैं शायद कोरिया या थाईलैंड वियतनाम के लोग भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। बाकी जो ऑफिसर हैं वो सब यहीं के लोकल हैं। कुछ वो शेख जैसे लगते हैं, कुछ वर्दी वाले हैं, कुछ अलग वर्दी वाले हैं। सब कोई भाई खतरनाक चीज़ काम काज है, तो सावधान। कोई बात नहीं, हम पहुंच गए, डरने वाली बात नहीं है, लेकिन सावधानी से। तो हम पहुंच गए यहाँ पे ऑलरेडी। सिक्का लगा या नहीं लगा मुझे नहीं आइडिया, लेकिन मैं बाहर आ चुका हूँ। लेट्स गो, अभी मेट्रो का वेट करते हैं 1 घंटा, तब तक यहाँ पे आराम करते हैं। जो भी इन्फो, हाँ मैं करेंसी एक्सचेंज का भूल गया। यहाँ पे मैंने करेंसी एक्सचेंज $20 कराया और $1 का मुझे दिया 3.6, मुझे लगता है करीबन 23 रुपया चार लिया है 22 रुपये की जगह। तो ठीक है, पर यार $20 में अपनी गाड़ी चल जाएगी, एक बार घर पे पहुंच जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स गो। तो ये दे सिम कार्ड, इस पर लिखा 5G 1 GB फ्री सिम। ये है देखो भाई, सब लोग आते हैं, मस्त अफ्रीकन लोग हैं। इस तरफ से हम लोग आए थे, इस तरफ से देश कोई भी हो, लेकिन सिस्टम तो लगभग सब जगह वही का वही होता है भाई। जब नींद आती है तो नींद लेनी पड़ती है, चाहे एयरपोर्ट हो चाहे कुछ भी हो। करेंसी भी आपको दिखा देता हूँ, ये है करेंसी। ये नोट कितने की है पता नहीं चल रहा मुझे, शायद 20 की है। ये है 50 की नोट, ये देखो 50 लिखा है, और ये है 20 की। और सिक्के भी, ये देखो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो ये सिक्के हैं 2-2 रुपए के, 2-2 दिरहम। $20 के 72 दिरहम आए बस ओनली। तो अब मेट्रो का टिकट कितना होगा मुझे नहीं आइडिया, शायद 10 दिरहम से ज़्यादा नहीं होगा, 100 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। इस तरफ से बाहर जाना था, मैं एग्ज़िट होता है और मैं जाऊँगा इस तरफ मेट्रो की तरफ। यहाँ तो भाई सामान्य बंदे के लिए तो फंसने वाला काम है, पता ही नहीं चलता है किधर जाना है किधर नहीं जाना है। बस एक बार मेट्रो एस्केलेटर में बैठ बैठ के ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ओ अभी रोड दिखी मेरे को, रोड दिख रही है आपको, अभी और ऊपर जाना है हम लोगों को। तो भाई हमारी यात्रा चल रही है और अभी अनुभव हो रहा है कि एक बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने पर क्या क्या परेशानियाँ होती है। ये देखो मेट्रो का जगह आ गया है, लेकिन अभी कोई आया नहीं है लगता है, मेट्रो बंद है। बंद नहीं है, लोगों के आगे जाके लाइन लगी हुई है। तो यहाँ से मुझे लगता है कार्ड बनाना पड़ेगा, कार्ड बनाने के बाद हम लोग मेट्रो में बैठ पाएंगे। और नीचे इस तरफ रोड है, देख लीजिए भाई, ये सब टैक्सी वगैरह के लिए। अब शायद हम लोग यहाँ खड़े हैं ये लाइन में, तो यहीं पे शायद कार्ड बनता होगा। टिकट ऑफिस इंफॉर्मेशन लिखा है, बाकी यहाँ पे भी ऑनलाइन इस मशीन से भी टिकट निकल रही है। तो अभी 4:55 हुआ है, देखते हैं क्या होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि कार्ड वहाँ सामने बनता है, वो सही बात है, किसी को पूछा तो पता भी चल गया। तो देखते हैं कार्ड बना के, कार्ड हो तो टिकट यहाँ से भी ले सकते हैं। तो भाई टिकट फाइनली ले लिया है और कार्ड भी ले लिया मैंने। यहाँ पे 25 दिरहम लेते हैं कार्ड का, जिसमें 19 दिरहम आपको बैलेंस मिल जाता है। वो जो मैडम बैठी है वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएं बोली जाती हैं, जैसा कि वहाँ पे लिखा हुआ था। बड़े प्राउड के साथ तिरंगा भी लगा रखा था मेट्रो स्टेशन के अंदर टिकट काउंटर में। तो अभी चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2। शायद ये मेट्रो ट्रेन निकल गई यार, इसमें बैठ के जाएंगे हम लोग ब्रजमोहन। मैं उसको पहले ब्रजमोहन बोल रहा था, लेकिन स्टेशन का नाम ब्रजमोहन है। अभी निकल गई, देखो भाई क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं और कुछ नहीं। 5 मिनट में दूसरी मेट्रो आ जाएगी, तब तक हम वेट करते हैं। यहाँ पे पूरा मैप तो दिया हुआ है, जैसा कि आप समझ सकते हैं, तो समझ में आ जाएगा। तो वहाँ पे देख सकते हैं वो गोल्ड क्लास लोग उसमें बैठते हैं, हम उसमें नॉर्मल वाले में नहीं बैठ सकते हैं, हम नॉर्मल वाला यहाँ पे बैठ सकते हैं। और सबका अलग अलग सीट स्टेशन का नाम लिखा हुआ। तो इसमें ड्राइवर नहीं है,
बिना ड्राइवर की ट्रेन है भाई, ड्राइवर नहीं है, ऑटोमेटिक। इधर बैठ सकते हैं, तो ये है बिना ड्राइवर की ट्रेन, मेट्रो ट्रेन जिसको कहते हैं भाई। कैसे चलती है नहीं आइडिया। यहाँ पे देखो गेट नंबर लिखा है, उसके हिसाब से आपको एग्जिट होना है, किस तरफ जाना है उसके हिसाब से। हो गया भाई बाहर जाने का रास्ता साफ। वापस नीचे जा रहा हूँ क्योंकि एग्जिट 4 में जाना था, मैं 3 में आ गया हूँ, तो 4 में जाऊँगा तो सही रहेगा मेरे लिए। तो 4 की तरह देखते हैं, पहले ढूंढते हैं। ये देखो मिल गया एग्जिट 4, यहाँ से बाहर जाना है ताकि अपने सही जगह पे जा पाएंगे। सुबह सुबह यहाँ पे भी काम पर जाने वाले लोगों की भीड़ लगी हुई है। लोग मेट्रो में चढ़ने के लिए दौड़ते हैं, सीट के लिए दौड़ते हैं, और इसमें यहाँ आके सब लोग एक हो जाते हैं, पाकिस्तानी, अफ्रीकन, ताइवान, पता नहीं फिलीपीन, कहाँ कहाँ से लोग आके यहाँ पे काम करते हैं, और सब कुछ मिक्स है यहाँ पे। ये देखो ये सब लोग सुबह सुबह जा रहे हैं, ये भी अपने दुकान वगैरह कुछ खोलने के लिए जा रहे हैं। तो आगे एग्जिट 4 पे यहाँ से हो जाते हैं एग्जिट। तो फाइनली दोस्तों अब मैं एक मेट्रो स्टेशन से बाहर आ चुका हूँ ऑलरेडी। अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अहमदाबाद से दुबई तक आने का फिर कैसे कैसे क्या क्या हुआ सब कुछ आपको शेयर कर दिया, और अब चलते हैं, इस वीडियो को समाप्त करते हैं, एक नए वीडियोज़ की शुरुआत करेंगे आगे चल करके। अभी मैं जाता हूँ, यहाँ मेरा हॉस्टल जो करीबी है, थोड़ा ही दूर है वहाँ पे, और बस आगे चल करके आपको बहुत कुछ दिखाने वाले हैं दुबई का। भाई आपकी टैक्सी ज़बरदस्त है यार, लेट्स गो।